Now, this roti is made by my cook at 11, okay? What is the time right now? It's 3:31. ठीक है, 11 बजे मेरी कोक जिसने अंडा करी बनाई उसने ये रोटी बनाई. लुक एट दिस, मैंने इसके ऊपर घी भी लगाया था. दिस इज लुकिंग बैड. सो आई थिंक नाउ आई विल हैव टू लर्न हाउ टू मेक रोटी बिकॉज चंदा भाई वॉज फुल टाइम. दीज पीपल मेक रोटी एट 11 एंड टिल नाउ द रोटी की हालत ऐसे है. सो दे डोंट नो हाउ टू मेक रोटी. द आटा दिस इज अ ब्रांड. ये ऐसा है, ठीक है. I have spoken to my mom and my mom has made me speak to her full time. Yeah, she has touch wood, a good person working for her, working for us. Yeah, because he's our old servant. तो मम्मी ने मुझे बोला है कि रोटी को कच्चा रखो और एक साइड करो बेल के, और जैसे ऑर्डर आए तब रोटी को गैस के ऊपर सेको. सो दैट वो रोटी फूली फूली तभी रखे, क्योंकि 2 घंटे में ही रोटी बैठ रही है गेहूं के आटे की. सो द ब्रांड इज नेचर फ्रेश, सो इट्स समथिंग दैट आई एम पिकिंग अप फ्रॉम डी मार्ट. सो इट्स नॉट एज इफ आई एम मेकिंग द आटा इन अ पर्सनल चक्की और समथिंग लाइक दैट. सो या आई ट्राई दिस नाउ, बिकॉज क्या होता है ऑर्डर जब तक प्रिपेयर हो रहा है तब तक कच्ची रोटी को तुम सेक दो एंड फ्रेश दे दो तभी के तभी. बिकॉज मैं 2 घंटे पहले भी रोटी बना रही हूँ, वो रोटी टूट रही है एंड क्लाइंट्स थिंक कि मैं बासी खाना दे रही हूँ. कोई बासी खाना नहीं दे रही हूँ. इट इज द वे द गेहूं रोटी इज, यू अंडरस्टैंड. ओह गॉड, वी हैव ऑब्वियसली मेड कच्ची रोटी एंड केप्ट इट रेडी. जैसे ही ऑर्डर आएगा हम उसको सेकेंगे. एंड हमने ये 4 पेड़े बना के रखे हैं फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर. बिकॉज आई हैड मेड ऑल दीज रोटीज एट 12 o'clock, बट ये सारी रोटी थोड़ी देर के बाद यू नो अजीब हो जाती है. सो आई कैन ईट देम एट होम, बट टिफिन में डालने के लिए आई विल ट्राई दिस मेथड कि आप कच्ची रोटियाँ बना दो और जब ऑर्डर आए तब उसको सेको तवे के ऊपर और फिर उसके ऊपर घी लगाओ, ठीक है ना. बिकॉज आप एकदम पक्की रोटी बना के डब्बे में रख देते हो ना, तो 2 घंटे में ही वो वैसी हो जाती है. सो वन हैज टू थिंक ऑफ टेक्निक्स सो दैट हमारे ट्रोल्स जो कभी कभार हमारे कस्टमर्स बन जाते हैं हमें अटैक नहीं करें. सो रोटीज जो मैंने बनाई थी आज दिन में उसको क्रश करके उसका चूरमा बना दिया है मैंने. दैट इज़ यू पुट शक्कर एंड घी एंड भूनो इट एंड इट बिकम्स अ स्वीट डिश. जो लोग गांव से हैं या जिनकी मम्मी चूरमा बनाती है रोटी का चूरमा, दे मस्ट बी नोइंग व्हाट आई एम टॉकिंग बिकॉज दैट इज़ माई सेकेंड स्वीट डिश दैट आई गिव. आई नो इज सूजी का शीरा एंड अदर वन इज दैट. दूसरा मैं क्या कह रही थी, हाँ अभी मैं ये आटा गुन के कच्ची रोटीज ऐसे बना के फिर उनको जब ऑर्डर आए तब सेक के देने का सोचूंगी. बिकॉज दैट्स द वे इट्स गोइंग टू वर्क. बिकॉज टिफिन में आई हैव टू डू समथिंग लाइक दिस टिल आई डोंट गेट अनदर फुल टाइम. बिकॉज लास्ट फुल टाइम भी रोटी बना देती थी एक टाइम पे 10-20 एंड देन शी हैज टू गो आउट गैलिवेंटिंग रोमिंग. प्रॉब्लम थी तभी के तभी वो रोटी नहीं बनाती थी. सो शी यूज टू मेक द रोटी, द रोटी यूज टू बी केप्ट एंड देन शी यूज टू गो आउट. एनीवेज लेट मी सी व्हाट्स हैपनिंग. हाँ, सो नाउ आई हैव टू गेट बैक, आई हैव अनदर ऑर्डर एंड जो व्हाट्सएप पे मेरे कस्टमर्स थे ना जब मेरा स्टॉल था, उनको मैंने जोमेटो स्विगी का लिंक दिया हुआ है एंड they don't order from there, they send me a message on WhatsApp. When I've told them use Zomato and Swiggy for your delivery because I don't have a delivery boy. So I don't know why they do that, but that's what they do. Baki, yeah, Kotak ke manager ke saath kal mere husband ne baat kari because company account mein he's also the director. And I have left the whole thing to them because itne petty money ke liye main apna dimag kyun kharab karu. ये लोग इतने अनप्रोफेशनल हैं, ये लोग इतने झूठे हैं, ये लोग कस्टमर्स को
ल्योर करते हैं इनके बैंक में अकाउंट्स खोलने के लिए और फिर 2,000-3,000-4,000 रुपए के लिए दिमाग खराब करते हैं. बिकॉज इट्स ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना. आपने अगर किसी को बोला है कि जीरो मेंटेनेंस है लाइफ टाइम के लिए और इस बेसिस पे आप अपना कंपनी का करंट अकाउंट खोलिए, तो हमने खोला. अब नया है तो ठीक है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा मिनिमम बैलेंस का. अब अगर उसके अंदर 5-10 लाख का फंडिंग हमने करवा दिया तो 5-10 हज़ार की तो बात है ही नहीं ना, जो जीरो जो मिनिमम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है. अब मैं नहीं रखूंगी इस बैंक के अंदर मेरा अकाउंट. एक साल के अंदर जैसे ही मैं अपना FSSI रिन्यू करूंगी या कुछ करूंगी, साइड बाय साइड दूसरे बैंक में मैं अप्लाई कर दूंगी. व्हाई शुड आई यू नो ब्रेक माय हेड. यही है कि अभी थोड़ा मैन पावर का शॉर्टेज है तो सारा काम मुझे करना पड़ता है. तो अभी फिर से एक प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए मुझे थोड़ा वो फील हो रहा है कि आई जस्ट वॉन्ट टू अवॉइड इट फॉर सम टाइम. बट ठीक है कोटा, क्या करोगे तुम, 3-4 हज़ार मार लोगे, दैट्स वॉट यू विल डू. आई विल शट माई अकाउंट इन योर बैंक, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना. क्योंकि मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ, मैं स्टार्टअप बिजनेस कर रही हूँ, मैं स्टार्टअप बिजनेस को स्टार्टअप बिजनेस की तरह ट्रीट कर रही हूँ. उसका मतलब ये नहीं है कि पायल रोहतगी का जोन अलग हो गया है. ठीक है, पायल रोहतगी है, संग्राम सिंह संग्राम सिंह है. स्टार्टअप बिजनेस को स्टार्टअप की तरह ट्रीट किया जा रहा है. अगर बैंक वालों को भी समझ नहीं पड़ रहा है तो ठीक है, तुम 3-4-5 हज़ार रख लो अपने पास, हम अपना अकाउंट शट कर देंगे. क्या फर्क पड़ता है, कितने सारे बैंक हैं मार्केट के अंदर. अभी जब स्वदेश प्रोडक्शन में हमने फंडिंग करी ये मैराथन के लिए, तो वो लाखों की फंडिंग थी. तो फिर आपको क्या लगता है कि हम स्टूपिड लोग हैं. मगर आप बेवकूफ बना के हमको अपने बैंक के साथ जोड़ते हो सो दैट हम आपके ऊपर वीडियोस बनाए और इंस्टाग्राम पे अपलोड करें और आपको पब्लिसिटी दे. देखिए, मैं वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे डाल के आपको पब्लिसिटी दे रही हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे आम आदमी को बताना है कि कोटक बैंक से केयरफुल रहो. ये आपके साथ ऐसा भी कर सकते हैं, ईमेल पे डालने के बाद आपका रिलेशनशिप मैनेजर बोल सकता है कि मैंने भैया छुट्टी ले ली है, नौकरी छोड़ दी है और ईमेल आपके पास है, उसके बावजूद कोटक बैंक आपके साथ ऐसे कर सकता है. तो प्लीज़ कोटक बैंक में मत खोलना, बिकॉज आम आदमी के लिए तो 3-4-5 हज़ार कितने ज़्यादा होते हैं. ठीक है, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ. इट्स कॉल्ड सोशल अवेयरनेस. और मैं यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, आई एम पुटिंग थिंग्स आउट देयर इन पब्लिक. मगर ट्रोल्स का तो दिमाग ही नहीं है ना. अभी हेडलेस लोगों के साथ क्या दिमाग खराब करना. कॉफी टाइम, योगा टाइम एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. ठीक है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि पायल रोहतगी कुक को हायर कर रही है. नहीं, पायल रोहतगी कुक को हायर नहीं कर रही है, पायल रोहतगी की कंपनी कुक्स को हायर कर रही है, स्टाफ को हायर कर रही है. तो जो स्टाफ और कुक बाकी कंपनीज में जो सैलरी पे हायर होता है उसी सैलरी रेट पे हायर होगा. ठीक है, स्टार्टअप बिजनेस इज बीइंग हैंडल्ड एज अ स्टार्टअप बिजनेस, इट इज नॉट बीइंग ट्रीटेड एज अ पायल रोहतगी का जोन. ओके, बिकॉज अगर पायल रोहतगी का जोन होता तो पायल रोहतगी कभी नीचे ग्राउंड पे जाके स्टॉल पे खड़ी नहीं रहती है. आई होप यू अंडरस्टैंड.